जोहार, जय आदिवासी। तारीख 12 रविवार ना रोज केवड़िया बचाओ आंदोलन समिति द्वारा केवड़िया विस्तार ना जो प्रश्न छे, केवड़िया विस्तार ना आदिवासियों साथे नर्मदा जिला ना लोको साथे भाजप सरकार जो छेतरपिंडी जे करी रही छे एना विरोध में आ 12 तारीखे केवड़िया नी अंदर महारेली अने मोटू सम्मेलन थवानुं हतुं, परंतु भाजप द्वारा वोट बैंक नी राजनीति के भाजप नी पोल आदिवासियों अने नर्मदा जिल्ला मां खुली ना जाय एटला माटे पोलीस अने सरकारी अधिकारियों पर दबाण लावीने आदिवासियोनी महारेली ने परमिशन आपवामां आव्युं हतुं। गुजरात में तमाम पार्टियों ने परमिशन मळे छे, ए कांग्रेस नी रेली होय, आम आदमी नी रेली होय के भाजप, अत्यारे गुजरात में तमाम जग्याए रेलीओ करी रही छे। परंतु ज्यारे आदिवासी पोताना हक अधिकार माटे ए रेली के महासभानुं ज्यारे परमिशन मांगे छे तो एमने कहेवामां आवे छे के अमारी पासे पोलीस प्रोटेक्शन नथी। आदिवासीओनी रेलीने रोकवा माटे आजे त्यां आजे गाड़ियों ने गाड़ी त्यां प्रोटेक्शन माटे मूकी देवामां आवी छे, परंतु आदिवासीओना प्रोग्राम ने मात्रने मात्र आ सरकार जे छे भाजप पार्टीना इशारे आदिवासीओना आवाज दबावानो आ एक प्रयत्न छे। केवड़िया विस्तारमां बिनकायदेसर रीते एसओई एक्ट लागू करी देवामां आव्यो, नर्मदा जिल्ला में 121 गामडाओं में आज इको सेंसिटिव जोन बळजबरीपूर्वक लागू कर आदिवासी समाज नो अपमान कर्यो एवा नीलेश दुबे पर आज दिन सुधी भाजप सरकार द्वारा कार्यवाही करवामां आवती नथी। 150 जेटली आदिवासी बहनों ने नौकरी माथी छूटा करीने एमने बेरोजगार बनावी देवामां आवे छे। आज जमीन ना मालिको, आज 20-25-50 एकर ना मालिको आज केवड़िया विस्तार में झाड़ू पोता मारे छे, एमणे पोतानी लारी गल्ला नाखीने ज्यारे ए पोतानो स्वरोजगार उभो करे छे तो एना लारी गल्लाओने बिन कायदेसर ठेरवी ए तोड़ी नाखवामां आवे छे। तो केवड़िया विस्तारनी अंदर जे आदिवासीओने जे प्रश्नो छे, आज केवड़ियानुं जे गाम छे आ ऐतिहासिक आदिवासीओनुं गाम, आज केवड़िया गाम ने हटावीने एने एकतानगर करी देवामां आव्यो छे, एनो पण तमाम आदिवासी विरोध करे छे। केवड़िया बचाव आंदोलन समिति द्वारा जारे जारे कार्यक्रमों आप्या छे त्यारे तमाम पार्टीओ तमाम संगठनों एक मंच पर आवीने केवड़िया विस्तार ने आज दिन सुधी न्याय अपाव्यो छे। हजु पण आवनारा समय में जारे जारे केवड़िया विस्तार ने अथवा आ नर्मदा होय के ट्राइबल बेल्ट नो कोई पण जिल्लो होय के ज्यां आदिवासीओना बंधारणीय अधिकारोनो हनन थतो होय, लोकोना स्वतंत्र अधिकारो छीनवाता होय के पछी पोलीस द्वारा जे लोकोनो जे दमन थतो होय त्यां हमेशा आदिवासी संगठनोए आवाज उठाव्यो छे। अने आजे पण ज्यारे केवड़िया विस्तारनी अंदर जे हाल में जे जमीनों पड़ावामां आवी रही छे, जमीनों माटे आवाज उठावनार त्या स्थानिक महिलाओ जे छे, त्याना युवानो छे, त्याना खेडूतो छे, त्याना आंदोलनकारीओ पर जे पोलीस द्वारा जे आ सरकारना इशारे जे खोटा केसो करवामां आव्या छे जेनो विरोध आजे समग्र विस्तारमां छे। नर्मदा जिल्लानी अंदर भाजपना नेताओ आवीने सीआर पाटील आवीने अहींया बीजा तमाम नेताओ आवीने आदिवासीओने खोटा खोटा वचनो आपे छे
परंतु आज भाजपना नेताओं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में आदिवासी ने जे जमीनों गुमावी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में जे महिलाओं पर जे अत्याचार थे, आदिवासी ने त्या जे रोजगार आपवानी वात छे, नर्मदा जिल्लाना स्थानिको ने आ विस्तार में रोजगारी पूरी पाड़वानी वात छे, त्या बिल्कुल मौन रहे छे। तो शा माटे आदिवासी समाज होय के नर्मदा जिल्लानो सर्व समाज होय, आ जिल्लानी अंदर जरा आटली मोटी रोजगारी उभी थई थती होय अने अन्य जिल्लाओमांथी अहींया भर्ती करी देवामां आवती होय अने नर्मदा जिल्लाने घर आंगणे एमनी रोजगारीमांथी एमने दूर राखवामां आवते होय तो आ नर्मदा जिल्ला माटे शरमजनक बाबत छे। नर्मदा जिल्लानी अंदर जयरे आजे मात्र आदिवासी ज नहीं पण अन्य तमाम समाज के जेओ इच्छी रहा छे के नर्मदा जिल्लानी अंदर लोगों ने आजे दरेक क्षेत्र मात्र कोई एक समाज नहीं परंतु दरेक समाज ने समान रीते न्याय मळे परंतु आवु आ बीजेपी नी सरकार मां थतुं नथी अने एटला माटे जयरे भाजप सरकार जे खोटा वायदाओ छे आदिवासी होय के अन्य समाज ने जे लॉलीपॉप आपे छे ज्यारे एमनी लॉलीपॉप ज्यारे आ लोकोनी आगळ एमनी पोल ज्यारे खुलवानी होय छे अने एना डर थी आ केवड़िया बचाव आंदोलन समिति द्वारा जे आ रविवारे जे मोटू महासम्मेलन अने रेली थवानी हती ए रेली ने भाजपे एन केन प्रकारे पोलीस अने सरकारी प्रशासन पर दबाण लावीने आदिवासी समाज नो अवाज दबावानी कोशिश करी छे। आ दुखनी वात छे, आ लोकशाही देशमां दरेकने पोतानो हक अधिकार माटे आवाज उठाववानो अधिकार छे। आजे दररोज कंईक ने कंईक नर्मदा जिल्लानी अंदर ज्यारे भाजप पण एना नाटको करती होय, खोटा देखावड़ा करती होय अने एवा नाटकबाजोने ज्यारे परमिशन मळती होय तो अहींया तो अमे तो बंधारणीय अधिकारो मुजबनी परमिशन मांगी सा माटे अहींना आदिवासी होय के अथवा भाजप ना होय एने ज तमे परमिशन आपो अने आदिवासीओने परमिशन नहीं आपवानुं जे आ जे षड्यंत्र जे नर्मदा जिल्ला अने आदिवासी विस्तारमां जे चाली रह्युं छे एनी सामे आदिवासी समाज केवड़िया बचाव आंदोलन समिति विरोध लावे छे। केवड़िया बचाव आंदोलन समिति ए मात्र ने मात्र केवड़िया अने आ 19 गाम होय 24 गाम होय केवड़िया विस्तारना 72 गाम होय केवड़िया विस्तारनो अस्तित्वनो होय जड़ जमीन जंगल संपत्तिनो होय केवड़िया विस्तारमां जे आदिवासीओने अपमान करनार अधिकारीओ पर ज्यारे कार्यवाही न थती होय महिलाओ पर अत्याचार थाय एमने नोकरीओमांथी छूटा करी देवामां आवे आदिवासीओने जमीनोमांथी एमने बेरोजगार बनावी देवाना षड्यंत्र चालता होय तो आनी सामे कोई तो अवाज उठावे अने जे अवाज उठावे एनो अवाज दबावानी जे कोशिश એ કોશિશની સામે આદિવાસી સમાજના યુવાનો અને આ જિલ્લાના તમામ સમાજના યુવાનો એ અવાજ ઉઠાવશે। જળ જમીન જંગલ સંપત્તિ જેવી રીતે ડેવલપમેન્ટના નામે આ જંગલોનો વિનાશ થઈ રહ્યો છે, જેવી રીતે ગ્રામસભાના જે પાવર છે એ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એક્ટ લાવીને ગેરબંધારણીય રીતે આદિવાસીઓની ગ્રામસભાના જે અધિકારો ખતમ કરવામાં આવે એ તમામની સામે આદિવાસી સમાજમાં આજે રોષ જોવા મળે છે। કારણ કે બંધારણીય અધિકારો જે છે આજે આ દેશને આઝાદ કરવા માટે આદિવાસીઓ સૌથી વધારે બલિદાન આપ્યું છે। આજે બિરસા મુંડા હોય, તાંત્યા મામા હોય કે અન્ય ખ્વાજિયા નાયક હોય, સિંધો કાનો હોય, જલકારી ભાઈ હોય કે પછી રાણા પૂંજા ભીલ હોય, આ તમામે આજે આ દેશ માટે બલિદાન આપ્યું છે અને જ્યારે આ સમાજ અને આ આદિવાસીઓને જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ એવું કહેતી હોય કે આ દેશના સાચા માલિક છે અને એ સાચા માલિકોને આજે માત્ર ને માત્ર ખોટા ખોટા વચનો આપીને એમને જળ જમીન અને જંગલ સંપત્તિથી જ્યારે એમનો વિખૂટા પાડવાની જ્યારે વાત આવે છે તો એના વિરોધમાં આજે સમગ્ર આદિવાસી પટ્ટાની અંદર આજે એનો વિરોધ જોવા મળે છે। એટલે જેવી રીતે નર્મદા જિલ્લાની અંદર ભાજપ સરકારના ઇશારે જે રવિવારના રોજ જે આદિવાસી મહારેલીની પરમિશન નહીં આપીને જે ગેરબંધારણીય અને જે આ લોકશાહીનું હનન કર્યું છે એનું અમે નિંદા કરીએ છીએ અને આવનારા સમયમાં આની અમે ઉચ્ચ કક્ષાએ સુધી અમે રજૂઆત કરીશું।
અને આદિવાસી સમાજને ન્યાય મળે એવા પ્રકારના પ્રયત્ન કરીશું. ડોક્ટર પ્રફુલ્લ વસાવા, કેવડિયા બચાવો આંદોલન સમિતિ. ધન્યવાદ.